कहते हैं ना अब की बार आखिरी बार, ठीक है। और जो इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाया ना, उससे बड़ा बेवकूफ और नालायक बच्चा कोई होगा भी नहीं इस लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपको कुछ सीखने के, ये जो लॉकडाउन लगा है ना, ये जो कोरोना वायरस आ रहा है, इसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से लाइफ को जीता है ना, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख गया होगा, ठीक है। और जिसको पैसे ही फ्री फंड का मिल रहा है, खाने को घर पर रोटी मिल रही है, तो उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अगर आप इस कोरोना के आने से जो ये लॉकडाउन चल रहा है अभी, अगर इसका भी आप फ़ायदा ना उठा पाए ना एजुकेशन में, तो बेकार है फिर आपकी तैयारी करना भी, ठीक है। मुझे और रखा तो पता नहीं, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और मुझे प्रॉफिट मिला भी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला। ऐसा नहीं ऑनलाइन कोचिंग से, ऑनलाइन कोचिंग का तो मैटर अलग है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मुझे सबसे पहले ये पता कि अगर मान लीजिएगा कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हम उस समस्या से कैसे निपटेंगे वो हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के समझ में आ जाए। हालांकि समझ जाओगे तो ज़्यादा ही अच्छी बात है, आज नहीं तो कल तो समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें मिरर के बारे में, शीशे के बारे में, तो हम सब जानते कि हमारे घर में मिरर लगा होता है जिसमें आप अपना सुंदर चेहरा देखते हैं, ठीक है, बाल वाल संवारते हैं, है ना। तो अगर वो शीशा टूट जाए, उसमें क्रैक आ जाए, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप उसको बाहर उठा के फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वो अब आपके काम का नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ना? आपने कोई शर्ट खरीदी और वो शर्ट फट गई, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? उसको दोबारा तो पहनने से रहे, डेफिनेटली उसको फेंक ही दोगे या कुछ उसका पोछा वोछा ही बना लोगे, और क्या करोगे, घर में साफ सफाई के लिए काम कर यूज करोगे, लेकिन उस शर्ट को पहनोगे नहीं, चाहे वो कितने भी कॉस्टली हो। भगवान की मूर्ति जिनको हम पूजते हैं, अगर उस मूर्ति में भी क्रैक आ जाता है, तो आप उस मूर्ति को भी बाहर रख दोगे, आप उसको घर में नहीं रखोगे, मुझे इतना पता है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं जी हम तो रखेंगे, तो वो मुझे भी पता है आप कितना रखोगे, ठीक है। तो अब आप इसने आपने इस बात से क्या सीखा कि व्यक्ति की जब तक हमें जरूरत पड़े, अगर हमें किसी चीज की नीड है ना, तब तक हम उसको संवारते भी हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, सारे काम करते हैं। और जब उसमें कोई डिफॉल्ट आ जाता है ना, उसमें कोई कमी आ जाती है, तो हम उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी ना, तो दुनिया में कोई इज्जत नहीं करेगा, आपको मूर्ति की तरह बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा, और आपसे कोई पूछने वाला नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा सब आपको इग्नोर करने लगेंगे, ठीक है। और इस चीज से अगर आपको बचना है, तो आपको आपका जो खर्चा होगा ना, वो केवल और केवल 5 रुपए का होगा। एक पेंसिल लेनी है 5 रुपए की, और उसको घिसना है, ठीक है। पेंसिल नहीं देखी तो मैं भी दिखा देता हूँ। आप ना पता नहीं कौन कौन सी पेंसिल रखते हो, ये रही देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 3 रुपए वाली पेंसिल से काम करता हूँ। ये 3 रुपए वाली पेंसिल देखो, दिख रहा होगा कैमरे में, ये 3 रुपए वाला पेन की हालत देख लो, और इसी पेन से मैं लाखों रुपए कमा लेता हूँ, अब देख लो। तो इस पेन में इतनी ताकत है ना कि आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो। इस पेन में टोपली भी नहीं है, टोपली पता नहीं कहाँ गई, और 3 रुपए का पेन है, 10 रुपए का पैकेट आता है, ये पारस का है ये, और देख लो अच्छी तरीके से, देखो कितना बेकार पेन है। और इस पेन से मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, और आप भी कमा सकते हैं, लाखों नहीं करोड़ भी कमा सकते हैं। लेकिन इस पेन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, वो हमें सीखना है। इस पेन को जितना घिसोगे ना, जितना लिखोगे, जितना घिसोगे, जितना पढ़ोगे, ये आपको एक छोटा सा 3 रुपए वाला पेन ना लाखों रुपए कमवा देगा, लाखों रुपए, आप समझ रहे हैं ना। तो इस पेन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप इस पेन को जितना घिस लोगे ना, और आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, और हर चीज पे टारगेट बना के काम करेंगे, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है।